इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहां से एक इंच मैंने ये ऊपर निशान लगा दिया, ये एक इंच ऊपर, और दोस्तों एक इंच पे मैंने नीचे निशान लगा दिया है। अब दोस्तों इसका 39 इसका सीना है, तो 39 इंच का चौथाई 1/4 इसका ले लेंगे, पौने 10 इंच पे एक निशान लगा लिए मुड्डे का, तो पौने 10 इंच पे मैंने इसका एक निशान लगाया है, और लगभग 6.5 इंच पे मैंने इसका कमर का निशान लगाया है। ये देखिए, इस निशान को मैंने उठा लिया है 3-पीस कोट के बास्केट वी गले की। अब दोस्तों यहां से करीब मैंने ये 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है, और यहां से करीब ये 0.25 इंच पे एक निशान हमने ये कमर की शेप दे दी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं राउंड दे देता हूं उसको बैक का, जैसे कोट में देते हैं। अब दोस्तों 39 इंच का ये मैं 39 स्केल के हिसाब से 19 लगभग ये एक टिक का निशान लगा दिया मैंने, ये आएगा लगभग आपका 3.25 इंच, और ये मैंने इसका बैक का हला बना लिया 17 इंच इसका तीरा है, तीरा कमी होता है इसका, बास्केट का रखा जाता है, तो 8.5 और 3 सूत मैंने इसका सिलाई का रख दिया है। दोस्तों जितना यहाँ से और यहाँ लिया हमने 9.5 इंच एक सूत, 9.5 इंच एक सूत दिया आया, इसको मैंने निशान लगा दिया। इस निशान को दोस्तों हम ये उठा देंगे। अब देखिए 39 इंच इसका सीना है, तो इसका चौथाई देखिए, राइट केवल चौथाई रखें, कोई मैंने मार्जिन नहीं रखा इसमें, बिल्कुल तैयार चौथाई रख दिया, 10 इंच, 35 इंच इसकी कमर है, तो 9 × 36 9 इंच पे ये निशान लगाया। अब दोस्तों जैसे ये हमारा निशान आया 10 इंच पे, तो 0.5 इंच कम समा 9 इंच पे हम एक ये निशान यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ 0.5 इंच कम, ये मैंने इसमें शेप दे दिया है, ये देखिए आप। और दोस्तों बैक में इसमें करीब 1/4 इंच का मैंने ये दबाव जरूर रख देना चाहिए इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये तीरे का जो निशान है सीधा कर लिया, यहाँ से हम इसमें 0.25 इंच एक निशान पीछे लगाएंगे, और इस निशान को से पट्टी को ये रख लेंगे, और ये इसके हम मुंडे की शेप दे देंगे। ये हमारी बैग तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, ये सीधे मैंने इसकी बैग कटिंग कर दी है 3-पीस कोट की बास्केट। दोस्तों एकदम परफेक्ट आएगी, इसमें मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है बैक में, 1/4 कमर से रखी है, 1/4 सीने से रखी है। इसको हम उठा लेंगे, और इस कपड़े को मैंने ये पलट दिया है, इसमें धारी मिलाई जाएंगी, क्योंकि धारी वाला कपड़ा है ये, चेक है इसमें, तो मैंने इसकी धारी मिला दी है। ये भी इसकी धारी मैंने मिला दी थी पहले ही। अब दोस्तों इसको यूं रख लेंगे, लगभग 3.5 इंच नीचे से लंबाई ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 3 इंच ये ज़्यादा है, और इस धारी को हमने ये मिला दिया है। और जैसे कि मैं हर एक में निशान लगाता हूँ, यहाँ से 2 सूत छोड़ के एक मैंने निशान लगाया सीधा, ठीक है दोस्तों। इन निशानों को हम उठा लेंगे, इसी के निशान उठा लेते हैं। और एक निशान जो हमने हाले के पास से लगाया था लंबाई का, ये हमने उठा लिया। अब दोस्तों इन निशानों को उठा लीजिए। दोस्तों जो भी मेरे हिसाब किताब है बहुत इजी है,
बहुत ही आसान कटिंग होती है इसकी और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। अब दोस्तों देखिए, ये निशान में 200 छोड़ दिया इधर को, 39 इंच की सीना है तो ये आया 10.5 इंच, सीधा सीधा हिसाब, और 2.25 इंच से आगे बढ़ा दीजिए, ये फिटिंग में आ जाएगी हमारी। 35 इंच की कमर है, 9.5 इंच, 2.25 इंच इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ देखिए आप, ये आया 11.5 इंच, आंख बंद करके यहाँ से 11 इंच, आधा इंच कम रख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच पीछे ये हमारा तख्ती का निशान आ गया, ये हमारा 9.5 इंच आ गया, और 9.5 इंच में हम ये निशान उठा देंगे, इसका और इसका आधा कर लेंगे, 4.5 इंच में एक सूत कम, ये 9.25 आया, तख्ती के निशान से 1 इंच पीछे करा, तख्ती का निशान उठा दिया। ये बिल्कुल आसान और सिंपल कटिंग और एकदम परफेक्ट आएगी ये। ये देखिए ये आया यहाँ से 9.5 इंच, 4.5 इंच में एक सूत कम निशान आया, इस निशान को हम उठा लेंगे। ये देखिए आप, अब दोस्तों इसको नाप लीजिए, ये दोस्तों हमारा आया है 6 इंच, तो यहाँ से 2 सूत कम 6.5 इंच पे, और यहाँ से लगभग 2 इंच नीचे एक निशान आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2 सूत कम कर दिया और 2 इंच नीचे ये निशान लगा उठा दिया, 6.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया यहाँ से। ये देखिए अब दोस्तों एक निशान यहाँ से पीछे लगाइए 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच, और इस निशान को आप सीधे शेप पट्टी से उठा लीजिए, ये देखिए, और इसको ये गोलाई दे दीजिए मुड्डे की इसकी। अब दोस्तों इस निशान को यहां मिलाइए, और इस निशान को ये मिला दिया हमने, और लगभग इसमें, वैसे दबाव रखने की एक बैक में मैंने रख लिया, लेकिन फिर भी रख देता हूं, 1.25 इंच का जो दबाव रखना हो आपने ये रख लीजिए। अब दोस्तों यहां से करीब 1/2 इंच नीचे ये निशान मैंने लगाया है, शेप पट्टी इस तरीके से रखिए, और ये हमारा गले का निशान लग गया। अब दोस्तों यहां से 1/4 इंच ऊपर एक निशान लगाइए, और यहां से ये 3 इंच मैंने, 26 इंच थी हमारी, ये 26 से तैयार आ गया, 1/2 इंच दबाओ, 26.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए, और यहां से आप 3 इंच ले लीजिए, इस निशान को आप ये उठाइए, और इस निशान को आप ये मिला दीजिए, और ये हमारा दबाव, दबाव वैसे इसका काम नहीं आता क्योंकि मैंने एक्यूरेट नापा हुआ है, ये लग गया हमारा निशान। अब दोस्तों यहां से करीब 2 इंच पीछे ये हमारा पॉकेट का एक निशान लग जाएगा, 5 इंच की इसमें जेब बहुत है, वॉलेट जेब लगा देंगे इसमें, ये 5 इंच मैंने ले लिए, 5.25 इंच रख दीजिए, बहुत है। अब दोस्तों इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ, ये देखिए किस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान और सिंपल कटिंग। आप 2 बार मेरा वीडियो देखेंगे, आप वास्केट कटिंग करना सीख जाएंगे, और बहुत ही शानदार फिटिंग आएगी अगर नाप आपने सही ले रखा है तो। वास्केट का नाप फिटिंग का ही लिया जाता है, दबाव को मैंने काट दिया है। अब दोस्तों देखिए यहां से 200 छोड़ के आप आगे आइएगा, लपका जो है ये, तो मेरी परफेक्ट वास्केट की कटिंग हो गई है, एक बटन यहां नीचे आ जाएगा, एक बटन यहां आ जाएगा, ये इस बीच में आपने 3 बटन लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, जो भी लगाना है आप डिवाइड कर लीजिएगा। इसकी बैक मैंने इसके ऊपर रख दी है, और दोस्तों ये कपड़ा इस तरीके से इसके अंदर बांध दो, और दोस्तों 5 मिनट में 3-पीस कोट की वास्केट की कटिंग हो गई है, और ये बहुत ही परफेक्ट आएगी। अगर मेरा काम आपको सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना कराओ करिएगा। धन्यवाद आज के लिए, इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर।